नेक्स्ट हमारा है 9x + 2y + z। ये हमारी ट्राइनोमियल्स पर है, ट्राइनोमियल मतलब आइडेंटिटी है फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स। ठीक है, स्क्वायर से हम कर रहे हैं। देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी पहले भी बता दी जा चुकी है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, प्लस हो गया, 2y का स्क्वायर हो गया, प्लस z का स्क्वायर हो गया, और हो गया हमारा ये प्लस 2, और a की जगह पे हो गया हमारा 9x, और b की जगह पे हो गया 2y प्लस 2y इंटू z प्लस 2z इंटू 9x। ये हो गया, सबसे पहले हम सबको फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 81x² हो गया प्लस 4y² हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया और प्लस 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, xy हो गया प्लस 4yz हो गया और प्लस 2 9 जा 18 जेड एक्स। अब जेड को इस तरह से लिखिए ताकि इसमें पता चले, मिक्स ना हो। ठीक है, ये हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आपको भी ध्यान देकर के करना है कि हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए, तो मिस्टेक नहीं होगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चलते हैं सीक्वेंस में तो मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, कि सबको सबके प्लेस पे रखने के बाद हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। 9x² हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4y² और ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्लस 6 2 जा 12, 12xy माइनस 2 2 जा 4y और जेड, और ये हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6x और जेड, जेड x लिखिए, एक्स जेड लिखिए, जो भी आप लिख पाइए वो लिखिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट में हमारे सब में माइनस हो तो देखिए हमारा फॉर्म a² b² c² माइनस 2ab + 2bc और माइनस 2ca हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास है x और प्लस माइनस 2y इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3z इसका स्क्वायर। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे, और अलग अलग लिख लीजिए या एक साथ सबका स्क्वायर लगा लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ये इसका होल स्क्वायर था ना, इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख दीजिए। ठीक, होल स्क्वायर में लिखेंगी या ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से आप लगा लीजिए प्लस 2x * 2y। ठीक है, और फिर प्लस लिखेंगे, 2 लिखिए इंटू 2y और इंटू माइनस 3z, ये हो जाएगा yz यानी कि bc, और फिर हो जाएगा हमारा प्लस 2 × 3z और इंटू x। अब इसका कर लेंगे, इसका भी करना था, चाहे तो आप होल लगा के करते चाहे ऐसे लिख देते, दोनों तरीके से आपके फॉर्म में लिखा ही हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब ये हो जाएगा हमारा x², ये हो जाएगा 4y², ये हो जाएगा 3 3 जा 9z², उसके बाद पहला हमारा माइनस में उसके बाद प्लस में आता है, तो पहले वाले में माइनस हमारा ये जो है ये कैसा है, 2y माइनस में है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, माइनस 2 2 जा 4xy। दूसरे वाले में हमारा प्लस होता है, ठीक, तो प्लस होता है तो हम इसको लिख लेंगे, हमारा 2y भी तो माइनस में है, ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का। ठीक है, एक बार लिखने के बाद चेक कर लिया करेंगे। ठीक है, माइनस 2y है और माइनस 3z है। अब यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए, इसमें नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस ही आना है, लेकिन हम यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं इस तरह का शो करना हो तो आप लिख करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, होता है, अगर माइनस लिखा हुआ हो, स्क्वायर करना हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा आया तो आप ज़रूर करके दिखाइए। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है,
तो ज़रूरत नहीं है। 2y देखिए माइनस में है और z भी माइनस में है। अब स्क्वायर हो गया, सभी का स्क्वायर हो गया, पहला माइनस हो गया, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, 12 yz। फिर देखिए हमारा z माइनस में है, ठीक, x तो हमारा प्लस में है, तो नेक्स्ट भी टर्म हमारा आ जाएगा माइनस 6z और x। इस तरह से हमारा ये फॉर्म क्लियर हो गया। एक बार और देख लें, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर है, पहले सबका प्लस हो जाएगा सबके स्क्वायर के साथ, फिर माइनस 2ab और प्लस 2bc और माइनस 2ca होता है, ठीक है, स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस यहाँ के फॉर्म यहाँ भी फॉर्म में लिख लेते, लेकिन यहाँ नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ माइनस ना हो, खाली यहीं पर हो, या सब में माइनस ही हो सकता है एक में प्लस हो सकता है, दो में प्लस हो सकता है, एक में माइनस हो, इस तरह से आपको अभी कंडीशन आपने देख ली, आपने लिख दिया, और जैसे जैसे जिसके पास जो साइन है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू फार्मूला आइडेंटिटी के आधार पर ही इसे रखिए और मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फार्मूला आपको पता ही है, प्लस 2ab हो जाएगा और प्लस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा, ठीक, ये एक ब्रैकेट में हो गया, उसके बाद बीच में प्लस है, दूसरे में क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2ab और प्लस 2bc माइनस 2ca, ठीक, ये दोनों ब्रैकेट में हो गए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला आपको पता ही है, बताया जा चुका है। अब इसे पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ठीक है, पूरे को ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी ओपन होने के बाद कितनी बचेंगी, देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब इसमें जो एक जैसे वाले हैं टर्म्स उनको इकट्ठा कर लीजिए, जो डिफरेंट हैं उन्हें अलग अलग कर लीजिए सबको, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गए। उसके बाद 2ab है, 2ab यहाँ कहीं है, देखिए यहाँ पे प्लस में है और दूसरा जो है माइनस में है, ये हमारा कैंसिल हो गया। प्लस 2bc है और यहाँ भी प्लस 2bc है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ऐड हो जाएगा, तो इसे हम नोट कर लेते हैं, प्लस 2bc और प्लस 2bc। अब ca पे जाते हैं तो ca देखिए, ca यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, कैंसिल हो गया, मेरे पास जो बचा सबको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² प्लस 4b और c, ये हो गया हमारा इसका कैलकुलेशन, सबको जब आपने ओपन कर दिया। अब सब में देख रहे होंगे कि 2 है, सभी में प्रेजेंट है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और बाकी कुछ कॉमन ले नहीं सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b और c, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लिया बीच में यहाँ पे प्लस का फॉर्म है, माइनस भी हो सकता है, तो माइनस होगा तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही उसे ओपन कर लेंगे, और माइनस बाहर साइन होता है तो सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, उसके बाद सारे ओपन करने के बाद जो एक इसी तरीके से अगर एक दूसरे से ऐड होते हैं तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।